नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह शिमला दौरे पर पहुंचते ही प्रदेश सरकार समेत बाबा रामदेव पर जमकर बरसे। बोले, सरकार ने चायल की 98 बीघा जमीन 1 रुपए की लीज पर दी। मुख्यमंत्री धूमल ने हिमाचल को बताया बिजली सरप्लस राज्य, कहा प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों को बिजली बेचने की बात पर चल रहा है विचार विमर्श। सोलन पुलिस ने एक शातिर फर्जी पुलिस अधिकारी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस ने बिना लाइसेंस की पिस्तौल सहित 2 जिंदा कारतूस और नीली बत्ती लगी गाड़ी को भी किया बरामद। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और लोक कला मंच शिमला की तरफ से संयुक्त रूप से गेटी थिएटर में लोक नाट्य प्रशिक्षण शिविर का किया जा रहा है आयोजन। शिविर में लोकगीतों व नृत्यों की बारीकियां सीख रहे हैं प्रदेश के रंगकर्मी। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव को दी गई जमीन पर एक बार फिर हिमाचल बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि चायल में 1 रुपए की लीज पर 98 बीघा जमीन रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण के नाम दी गई थी, जो कि फ्रॉड है। उन्होंने हिमाचल की जमीन को ऐसे लोगों को देना हिमाचलियों के हितों से खिलवाड़ बताया। उन्होंने बताया कि हिमाचल की बीजेपी सरकार व्यवसायी को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव को दी गई जमीन पर एक बार फिर हिमाचल भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि चायल में 1 रुपए की लीज पर 98 बीघा जमीन रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण के नाम दी गई, जो कि फ्रॉड है। उन्होंने हिमाचल की जमीन को ऐसे लोगों को देना हिमाचलियों के हितों से खिलवाड़ बताया। दिग्विजय सिंह ने बताया कि हिमाचल की भाजपा सरकार व्यवसायियों को संरक्षण दे रही है। चायल में चिल्ड्रन हॉलिडे होम की जमीन 98 बीघा जो कि पटियाला के राज परिवार ने सरकार को दान में दी थी, वो 1 रुपये प्रतिवर्ष की लीज पर उनको दे दी। और ऐसे व्यक्ति के नाम जमीन की गई है बालकृष्ण, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। ऐसे अपराधियों को इतनी वाजिब जमीन प्रॉपर्टी देना हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ मखौल है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व नेता घोषित करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है, नेता का चयन चुने हुए विधायक ही करेंगे। इसके लिए कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों का चयन करेगी ताकि उन्हें अपने क्षेत्र के हर भाग में जाने का समय मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा से तंग आ चुकी है और ये तय है कि इस बार राज्य में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर हमें पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनकर आएगी। दिग्विजय सिंह का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, वे इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वे इस मामले में निर्दोष साबित होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनावों में युवाओं को भी तरजीह देगी। जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य में विद्युत उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। मंडी में उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जबकि जरूरत इससे कहीं कम है। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों में जहां 15 से 18 घंटे तक लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही, वहीं प्रदेश में जरूरत से ज्यादा ही बिजली उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यूपी के हिमाचल से जो बिजली खरीदी थी उसका 600 करोड़ रुपए अभी प्रदेश को मिलना बाकी है, इस राशि को अभी तक जारी नहीं किया गया। इसी के साथ ही सरप्लस बिजली बेचने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया है। दिल्ली सरकार से जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अभी हम 8000 मेगावाट बना रहे हैं तो ही बिजली सरप्लस है और खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं। अगर 23000 मेगावाट के सारे प्रोजेक्ट बना लिए तो भेजेंगे कहाँ बिजली को? मायावती जी ने 600 करोड़ की खरीदी थी और 200 करोड़ उन्होंने तो दिया ही नहीं। यूपी वालों ने अभी तक कंपनी ने जिस कंपनी के थ्रू बेची थी उन्होंने कुछ पैसे दिए, 200 करोड़ अभी भी नहीं मिला हमें। बाकी स्टेट में ऐसा नहीं, जैसे आप स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं वहाँ तो डोमेस्टिक भी काटा होता है, 18-18 घंटे का काटा चल रहा है। That's why I'm saying if nobody is there, no wire is there, then what for will you generate? That's a big question now, how to find market for it.
कांग्रेस हाईकमान की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई चुनाव प्रचार कमेटी से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह संतुष्ट नहीं है। वीरभद्र सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इस प्रचार कमेटी में वीरभद्र सिंह समेत कुल 22 लोगों को शामिल किया गया है। हिमाचल आजकल ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि चुनाव प्रचार कमेटी में कोई भी दम नहीं दिख रहा है, क्योंकि कमेटी में ज्यादातर ऐसे लोग शामिल किए गए हैं जो चुनाव के दौरान अपने अपने क्षेत्रों से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। अब वीरभद्र सिंह ने प्रचार कमेटी के सदस्यों का मामला पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने भी उठाया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने जो चुनाव प्रचार कमेटी बनाई है, उस कमेटी पर खुद चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उंगली उठाई है। वीरभद्र सिंह ने देर शाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। हिमाचल आजकल ने चुनाव प्रचार कमेटी की सूची जारी होने के बाद ही खुलासा कर दिया था कि इस कमेटी में कोई दम नहीं है। इसमें ज्यादातर ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव के दौरान बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा ऐसे नेताओं को शामिल किया गया है जिनकी उम्र काफी हो चुकी है और राजनीति में सक्रिय नहीं है। इस खुलासे के बाद चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह काफी असंतुष्ट दिखे। उन्होंने नाराजगी पार्टी हाईकमान के सामने रखी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वीरभद्र सिंह ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से साफ तौर पर कह दिया है कि प्रचार कमेटी से निष्क्रिय लोगों को हटा दिया जाए। ऐसे लोगों की संख्या 10 से 12 बताई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने के बाद उन्हें प्रदेश चुनाव कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने इस चुनाव प्रचार कमेटी में किन लोगों को शामिल किया है। चुनाव प्रचार कमेटी में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, सीएलपी नेता विद्या स्टोक्स, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर, सीडब्ल्यूसी सदस्य कर्नल धनीराम शांडिल, विधायक जीएस पाली, पूर्व सांसद चंद्र कुमार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संत महाजन, रतन सिंह, रंगीला रामराव, विधायक गंगूराम मुसाफिर, राकेश कालिया, राजेश धर्मानी, सुधीर शर्मा, कांग्रेस नेता सत्या प्रकाश ठाकुर, उमा गौड़, लज्जा राम, ठाकुर सिंह भरमौरी, शिव कुमार उपमन्यु, मधुसूद व कमला प्रार्थी शामिल हैं। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। इन चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक मंडी में शुरू हो गई। बैठक के पहले ही दिन बीजेपी के मिशन रिपीट पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं सहित प्रदेश दिग्गज नेता भाग ले रहे हैं। पार्टी इस बैठक में अपने विभिन्न मोर्चों व प्रकोष्ठों के कार्यों की समीक्षा करने के साथ उन्हें चुनावों के लिए दायित्व भी सौंपेगी। इस बैठक के माध्यम से पार्टी को एकजुट कर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक मंडी में शुरू हो गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में कुल 5 सत्र होंगे, जिसमें केंद्र व प्रदेश के दिग्गज नेता पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स देंगे। बैठक के दौरान विभिन्न सत्रों में सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के विभिन्न मोर्चों व प्रकोष्ठों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कार्य भी सौंपे जाएंगे। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि इस बैठक में चुनावी रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की उपलब्धियों और केंद्र सरकार की भेदभाव की नीति को जनता के सामने ले जाने के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। जो हमारी प्रदेश की कार्यसमिति की बैठक हो रही है, इसमें अब से लेकर के चुनाव के समय तक भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या करना है और किस किस ने क्या क्या करना है, इस कार्यसमिति की बैठक में ये तय होने वाला है। क्या चुनाव में मुद्दे रहेंगे और चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाएगा, कौन व्यक्ति चुनाव में क्या काम करेगा, इन सभी चीज़ों की डिस्कशंस इस बैठक में होने वाली हैं। और मोटे तौर पर हम कहें कि हम आने वाले चुनाव का रोड मैप इस बैठक में बनाने वाले हैं। इन 2 दिनों में कुल मिलाकर के 5 सत्र होंगे। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी कलराज मिश्र, सह प्रभारी श्याम जाजू, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित विभिन्न मंत्री भाग ले रहे हैं।
हालांकि पार्टी के राष्ट्र उपाध्यक्ष शांता कुमार व राष्ट्रीय महासचिव जगत प्रकाश नड्डा पंजाब में किसान मोर्चे के किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण पहले दिन बैठक में भाग नहीं ले पाए, लेकिन उनके रविवार को बैठक में आने की उम्मीद है। वहीं शांता गुट के समझे जाने वाले उद्योग मंत्री किशन कपूर, खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला बैठक में अंतिम कतार में बैठे नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी, 7C हिमाचल आजकल। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में मंडी जिला से भेदभाव किया है। मंडी कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने मंडी जिला की पूरी तरह से अनदेखी की है। अब चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश सरकार कांग्रेस की योजनाओं के तहत हुए विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास कर रही है। उन्होंने कहा कि द्रंग व सदर में गत दिन जिन पेयजल योजनाओं के मुख्यमंत्री ने शिलान्यास व उद्घाटन किए हैं, उनके लिए धन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर व सदर क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक अनिल शर्मा ने विधायक निधि के तहत उपलब्ध करवाया था। इस मौके उन्होंने कहा कि द्रंग व सदर में गत दिन जिन पेयजल योजनाओं के मुख्यमंत्री ने शिलान्यास व उद्घाटन किए, उनके लिए धन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर व सदर क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक अनिल शर्मा ने विधायक निधि के तहत उपलब्ध करवाया था। पूर्ण चंद ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के मंडी दौरे को महज राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता भाजपा सरकार के भेदभाव से पूरी तरह वाकिफ है और आने वाले चुनावों में वह इसका जवाब भाजपा को देगी। आज माननीय मुख्यमंत्री धूमल जी ने हमारे मंडी जिला में 3 पानी की योजना के शिलान्यास और उद्घाटन किए, इसका जिला मंडी कांग्रेस कमेटी स्वागत करती है। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस योजना का इन्होंने कटिंडी में शिलान्यास किया, वो योजना जो है जो विधायक की प्राथमिकता होती है, क्योंकि हर वर्ष विधायक को, चाहे विधायक सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, 6 योजनाएं मिलती है। जहां भी विधायक देना चाहे वहां पर उनको वो स्वीकृत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, पत्थर। जुब्बल कोटखाई पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल सिद्धटा ने बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा से प्रश्न किया है कि जुब्बल कोटखाई में वे 1600 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए हैं, जिसके बारे में वे बार बार दावा करते नहीं थक रहे। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के साथ भाजपा सरकार के इस कार्यशाला में मात्र छलावा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अधूरी पार्किंग का उद्घाटन कराकर नरेंद्र बरागटा फूले नहीं समा रहे हैं, जबकि वास्तव में इस पार्किंग की अभी तक 1 मंजिल भी पूरी तैयार नहीं है। 4.5 वर्षों से जुब्बल कोटखाई की आम जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उनके द्वारा जो छलावा, जो धोखा जनता के साथ हो रहा है, उसी आडंबर का एक गवाह बना जुब्बल उत्सव जो 10 जुलाई 2012 को जुब्बल में संपन्न हुआ। नरेंद्र बरागटा जी और उनके जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में भीड़ चुराने के लिए जो वहां पर ड्रामा किया, वो सर्वविदित है, सभी को पता है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।